नमस्कार जी, मैं शिफाली और आप देख रहे हैं द सीक्रेट ऑफ योर लाइफ। सीक्रेट ऑफ योर लाइफ, जिंदगी से जुड़े हुए रहस्य। आज किस रहस्य से पर्दा उठेगा हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि आप हमें किसी भी चैनल के ऊपर देख सकते हैं या फिर आप YouTube चैनल पर हमें देख पाते हैं तो आपकी स्क्रीन के नीचे जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं, चल रहे हैं, आप उन पर कॉल कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। और जब भी आप अपॉइंटमेंट लेंगे तो आपको पता चलेगा कि आप जब भी प्रोफेसर गुरुदेव बड़ा साहब के ऑफिस में आएंगे तो आधी मुसीबत का हल तो तभी मिल जाएगा, और जब आप उनके ऑफिस से वापस जाएंगे तो आधी मुसीबत जो आपकी रह चुकी है उसका पूरा से पूरा हल मिल जाएगा आपको। तो बात आती है आज किसके ऊपर, आज का एपिसोड जो है बहुत इंटरेस्टिंग होने जा रहा है। तो हम पहले आपको बता दें कि ये इंटरेस्टिंग एपिसोड है और ये मैजिकल एपिसोड भी है, क्योंकि मैं इसलिए बोल रही हूँ कि बात आती है धन की। धन धन किसको नहीं चाहिए, आपको नहीं चाहिए, मुझको नहीं चाहिए, या ये जो परिवार देख रहा है उसको नहीं चाहिए। तो ये जो एपिसोड है ना, ये आपने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना है। अगर आप शेयर करेंगे तो आपको उसका फल ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि कहते हैं ना ज्ञान बांटने से बढ़ता है, तो आपका ज्ञान भी उतना बढ़ेगा। तो हम पहले स्वागत कर लेते हैं प्रोफेसर साहब का। प्रोफेसर साहब, स्वागत है आपका। नमस्कार प्रोफेसर साहब, अभी हम बात करेंगे, आज का एपिसोड चलेगा धन के ऊपर। धनेश, आप जिसकी बात करते हैं, धन अगर ना होना जिंदगी ऐसे लगती है बिल्कुल खत्म सी। तो प्रोफेसर, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं पिछले एक हफ्ते से ना ठीक नहीं चल रही, तो थोड़ी सी कंपन भी हो रही है क्योंकि मैंने घर शिफ्ट किया। आपने घर तो ले दिया, अब घर इतना बड़ा ले दिया, मैं सारा दिन उलझी रहती हूँ। हाँ, ये देखो कि ऑफिस भी मैं टाइम पे नहीं पहुंच पा रही, तो ऐसे सारी मेरी जो स्केड्यूलिंग है ना वो खराब हो गई है। तो प्रोफेसर, कुछ झाड़ा वाड़ा कीजिए, कुछ शक्ति दीजिए, क्योंकि आपको पता है कि सूर्य ग्रहण के बाद अभी तक हमने कोई एपिसोड नहीं किया क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं चल रही थी। तो प्रोफेसर, कुछ कीजिए, पहले आप करके कुछ अपनी शक्ति जादू आप कुछ करके दिखाइए लोगों को कि हाँ ये ठीक हो। ओम नमः शिवाय। शिफाली, आज के बाद जो थकान है ना दूर होगी। ओम नमः शिवाय। जी, आपका पीछे झाड़ा वड़ा है वो भी करेंगे आप, कैमरामैन दिखाइएगा जरूर। ये कभी कभी मैं करता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, करके जो शिफाली भेज दूंगा, आज करके दूंगा, चिंता मत कर। ये आपका एंड वाला अस्त्र शस्त्र है। जी प्रोफेसर साहब, आपने झाड़ा तो कर ही देना मेरा, तो प्रोफेसर मैं ठीक भी हो जाऊंगी और जल्दी से जल्दी हम एपिसोड भी जो है कंटिन्यू कर पाएंगे। तो प्रोफेसर, बात आती है धनेश की, क्योंकि कोरोना की महामारी जो है पूरे विश्व युद्ध में चल रही है, पूरा विश्व जो है कोरोना की महामारी से उलझ रहा है। तो प्रोफेसर, उस चक्कर में जो है धन की कमी जो है हर एक के पास है, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में अब जो हमारे भारत की इकॉनमी है वो भी डाउन हो चुकी है। तो प्रोफेसर, हर जो इंसान है, आपके पास भी कोई भी अगर आपके पास सेवा दिखाने आ रहा है, सबसे पहला उसका पॉइंट ऑफ व्यू ये होता है कि प्रोफेसर साहब मेरे पास धन नहीं है, इस समय मेरे पास जो धन का फ्लो है वो बहुत कम हो चुका है, मेरा बिजनेस जो है वो 90% कम हो चुका है। तो प्रोफेसर साहब, आप एक धनेश की बात करते हैं, कुंडली में दूसरा घर धनेश होता है, तो आज आपने सभी लग्नों के ऊपर, सभी राशियों के ऊपर इसका प्रभाव जो है वो भी बताना है और उसका उपाय भी है जो भी वो भी बताना है, क्योंकि अगर सोल्यूशन ना हो तो ऐसा एपिसोड हमारा अधूरा सा लगता है। उपायों के साथ साथ उस चीज़ पे चर्चा करेंगे हम कि ऐसा क्यों हो रहा है जो सभी के साथ हो रहा है, क्योंकि सभी के साथ जो है वो धन की कमी आ रही है। बहुत सारा पूछा शिफाली जी आपने, आज आपने धन भाव की बात की जो कि कुंडली में दूसरा घर होता है। लग्न का धन दूसरा घर होता है, लेकिन धन का धन वो तीसरा घर होता है। अगर पराक्रम का धन बताऊं तो वो चौथा घर होता है। अगर मैं सुख का धन बताऊं तो वो पंचम घर होता है। सुखों का धन यानी कि सुख मिलते मिलते धन आता रहे, वो पंचम घर होता है। ऐसी बातें भूल जाइए, किसी किताबों में मिलेगी आपको। फिर आई बात, अगर मैं बोलूं आपकी औलाद का धन, औलाद का सुख, औलाद के धन कैसे, औलाद को धन प्राप्त होगा, कैसा धन प्राप्त होगा, वो छठा घर होता है भाई। फिर आई बात आपके नानकों की, नानकों का धन वो आपके सप्तम घर से आता है, मार्केट से। फिर पत्नी का धन उसके अष्टम घर से आता है, यानी कि आपके अष्टम घर से और आठवें घर से आपकी पत्नी का धनेश आएगा। फिर आ गया संचम, जो कहते हैं पुश्तैनी जायदाद, उसका धन तो नौवें घर से आएगा भाई।
फिर भागेश का धन वो दशम भाव में आएगा, पराक्रम का धन वो इलेवन घर में आएगा, और आपकी आय का धन, इच्छाओं की पूर्ति का धन वो बारहवें घर से आएगा। ये मैंने इसलिए बताया ताकि आपको पता चले कि जो हमारा धन है, धन भाव है, वो खाली दूसरा घर नहीं होता, वो हर घर हमारा धन स्थान होता है, हर घर हमारा धन स्थान होता है। देखिए, जैसे कि शेफाली जी ने बोला, दूसरा घर धन स्थान होता है जी, और हर घर ही धन स्थान होता है किसी ना किसी का। जी प्रोफेसर, अभी आपने बात कह दी कि हर घर जो है धन स्थान होता है, लेकिन अभी बातों बातों में आपने बहुत बड़ी बात कह दी, क्योंकि पूरे 12 के 12 जो घर है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो गए अब। बिल्कुल। तो प्रोफेसर, अगर 12 के 12 घर इम्पोर्टेंट है तो हर घर में तो अच्छी राशि नहीं पड़ी होती। बिल्कुल। तो फिर हमारा ऐसे धन स्थान तो फिर अब की डेट में, पहले नहीं था ऐसा। अगर कोरोना से आज से 4 महीने पहले की बात की जाए तो लोगों का जो स्केड्यूलिंग सिस्टम था, जो लोगों का धन पॉइंट था, वो ठीक था, कुछ हद तक ठीक था, लेकिन अभी सभी का खराब हो गया। ये ऐसा क्यों हुआ, सभी का क्यों खराब हुआ? शेफाली जी, गुरु धनु राशि में चल रहे थे जी, गुरु ज्यादातर मकर राशि में अब चल रहे हैं जी, नीच के हो गए, जो के शनि की बुरी राशि है जी। बिल्कुल, गुरु मकर राशि में चल रहे हैं नीच के। मैंने पहले एपिसोड में बताया था, गुरु जब नीच हो जाते हैं लोग अपना गोल्ड बेचते हैं जी। गोल्ड महंगा हो जाता है, लोग अपना घर से निकाल के गोल्ड बेचते हैं। गोल्ड तभी बिकेगा अगर पूरी दुनिया में आर्थिक स्थिति डाउन हो जाएगी, तो वो डाउन हो गई। 18 साल के बाद गुरु कहते हैं, 12 साल के बाद गुरु नीच का आता है, 12 साल के बाद, 1 साल बाद अपनी राशि परिवर्तन करता है, तो 12 साल के बाद जब भी गुरु आते हैं तो गोल्ड का रेट बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं। बाद में धीरे धीरे कम होता नहीं है, जितना बढ़ जाता है उससे तो कम होता नहीं, बहुत कम होता है, लेकिन होगा। चलो अभी टाइम नहीं है, जब तक गुरु नीच राशि में है तब तक तो बहुत ज़्यादा परेशानी है। सुनिए, इसलिए जैसे कि शेफाली जी ने मेरे से पूछा कि हर घर ही धन स्थान होता है, हर घर, बिल्कुल हर घर ही इम्पोर्टेंट होता है आपके लिए। जैसे कि अगर मेष लग्न वालों की बात करूं, मैं लग्नों की बात करूंगा, राशियों की बात नहीं करूंगा, लग्नों की बात करूंगा। जिसको अपना लग्न नहीं पता उसको अपने नाम की राशि का पता होगा सबको। तो जैसे कि नाम की राशि, जैसे कि किसी के नाम की राशि कैसी है, किसी के राशि M से, L से, P से, N से, जिस जिसकी नाम की राशि है, नाम की राशि का धन स्थान बनेगा जो मैं बोलूँगा। चलो पहले तो मैं लगन की बात बताता हूँ। लगन, मेष लगन का धन स्थान बनता है दूसरा घर, दूसरे घर में राशि आती है शुक्र ग्रह की, 2 नंबर राशि टॉरस। 2 नंबर राशि किसकी होती है, शुक्र की। मेष लगन वाले अगर जितना अपने शरीर के ऊपर, साफ सफाई के ऊपर ज्यादा ध्यान देंगे, उसके घर में धन टिका रहेगा। बहुत ध्यान से सुनने वाली बातें हैं, ऐसी बातें मैं फिर दोबारा बोलता हूं, किसी किताबों में नहीं मिलेगी। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है, मैं अपनी खोज है, जो मैं आपको फ्री में यूट्यूब के ऊपर बता रहा हूँ, मेरा 25 साल की स्टडी है, मैं पढ़ता हूँ, जो वो मैं फ्री में आपको बताता हूँ। लेकिन एक बात और है, अगर कोई भी बातें आपको अच्छी लगती है तो दूसरों को शेयर जरूर कीजिए, ताकि लोग दूसरे भी अमीर बन सकें। लेकिन कोई नहीं चाहता, पता क्या कहते हैं, दुनिया अमीर होनी चाहिए लेकिन मेरे से अमीर नहीं होनी चाहिए, वो अमीर होना चाहिए लेकिन मेरे से ऊंचा घर नहीं होना चाहिए। दुनिया तो ऐसी सोच है, लेकिन ऐसी सोच को बदलिए। जब दुनिया अमीर हो जाएगी आप खुद अमीर बन जाओगे। एक बात याद रखनी है जिंदगी में, अगर पूरी दुनिया अमीर बन गई उसमें आप भी आओगे। इसलिए जब भी कोई भी आपको प्रोग्राम अच्छा लगे तो शेयर साथ के साथ ही कर दीजिए, ताकि ये धन की बात है तो मैं ये चाहता हूँ मेरा भारत में, जो मेरे भारतवासी विदेशों में बसे हुए हैं, वो
अमीर हो जाए। तो अमीर तभी होंगे अगर ये मेरा एपिसोड देखेंगे। मैं रिलेशन के साथ जोड़ने वाला हूँ पूरे एपिसोड को, मैं तो हर किसी भी एपिसोड को कैसे घुमा सकता हूँ। क्यों? क्योंकि मेरी स्टडी बहुत ज़्यादा है। जैसे कि अगर मैं मेष लग्न वालों की और बात बताता हूँ, अगर अपनी पत्नी की इज्जत करेंगे तो धन जुड़ना शुरू हो जाएगा। देखिए मैंने रिलेशन के साथ जोड़ दिया ना, क्योंकि दूसरा घर शुक्र का, शुक्र पत्नी, क्योंकि मेरी बातें बहुत बारीकी में होती हैं। बनना ठन्ना शुरू करेंगे, साफ सफाई का ध्यान रखेंगे, क्योंकि मेष लग्न वाले नहाते बहुत कम हैं, साफ सफाई का काम ध्यान कम रखते हैं। तो इसलिए अगर वो क्यों शिवाली जी, अपनी नहाने का ध्यान रखेंगे और परफ्यूम वगैरह डाल के रखेंगे तो वो क्यों ना अमीर बनेंगे। वैसे सुंदर होते हैं, सुंदर होते हैं तभी वो नहाते नहीं है। इसलिए ध्यान रखना है। मैं एक भेड्डू होता है, मैं आपको बता रहा हूँ, ये नहीं कि सबको, सबके लिए ऐसा नहीं है भाई। कुछ मेष लगने वाले बहुत ज्यादा अपनी सेहत का भी ध्यान रखते हैं, हेल्थ का भी ध्यान रखते हैं। वो क्यों? क्योंकि शुक्र ग्रह उसको देख रहा होता है, इसलिए वो कहीं ना कहीं शुक्र ग्रह उसका एक्टिवेट होता है तभी वो ध्यान रखते हैं। लेकिन 90% लोग मेष लगने वाले थोड़ा सा अपनी सुंदरता की ओर, अपने साफ सफाई की ओर ध्यान नहीं देते, कम देते हैं। तो वो अमीर बन जाएंगे अगर वो अपनी सफाई का ध्यान रखेंगे। अब आई बात वृष लगन वालों की, दो नंबर लगन वालों की जो राशि दूसरे घर में पड़ती है, तीन नंबर राशि पड़ती है, मिथुन राशि। अगर वो अपनी वाणी के ऊपर कंट्रोल करेंगे तो अमीर बन जाएंगे, क्योंकि तीन नंबर राशि हवा की होती है। कौन सी हवा? हवा बाहर गई, अंदर जो हवा हम अंदर डालते हैं, बाहर फेंकते हैं, हवा इधर जाती है, गंदगी वाली खुशबू वाली आती है, ये सारी हवा जो ऐसी हवा होती है, मिक्स हवा, ये मिथुन राशि होती है। तो मिथुन राशि बच्चे भी होते हैं, क्योंकि बच्चों की राशि होती है, तो बच्चों का ध्यान रखेंगे और हवा दूषित नहीं होने देंगे। ऐसे बंदों के धन इकट्ठा होता रहेगा। बहुत ध्यान से सुनने वाली बातें हैं, तो जुबान के ऊपर कंट्रोल करेंगे, क्योंकि दूसरा घर जुबान का भी होता है। तो वाणी, जो हमारी वाणी गले से आती है दूसरे घर से, मिथुन राशि से, तो इसलिए ध्यान रखना, कम बोलना, तो ये बंदे अमीर बन जाएंगे, अपनी वाणी के ऊपर कंट्रोल करेंगे। अब भाई बात तीन नंबर लगन वाले दूसरे घर में राशि आती है कर्क राशि। अगर वो ठंडे रहेंगे, क्योंकि पानी की राशि है, कंट्रोल करेंगे अपने दिमाग के ऊपर, दिमाग से सोचेंगे, माँ का ध्यान रखेंगे, माँ की इज्जत मान सम्मान करेंगे, माँ के नाम पे काम करेंगे, तो कामयाब हो जाएंगे। देखिए मैंने कितनी बातें बोल दी, रिलेशन भी बोल दिए, और मैंने आपको बता दिया दिमाग ठंडा रखना है। मिथुन लगन वाले दिमाग ठंडा नहीं रखते तो धन कभी नहीं जुड़ता। मिथुन लगन वालों के पास कभी धन नहीं जुड़ता भाई, सुन लीजिए अपनी कमजोरी। ये पता क्या करते हैं, जब परेशानी आती है धन लुटाना शुरू कर देते हैं, परेशानी भगा देते हैं। ये अपने ऊपर स्ट्रेस नहीं ले सकते मिथुन लगन वाले, इसलिए ये अपनी वाणी के ऊपर कंट्रोल करेंगे, माँ का ध्यान रखेंगे तो शांत रहेंगे, क्योंकि शांति की राशि कर्क राशि है। कहते ना माँ की, मन की शांति कर्क राशि से आती है। तो जैसे ये रहेंगे वैसे धन इसके पास टिका रहेगा। अब आई बात कर्क लग्न वालों की, कर्क लग्न के दूसरे घर में जो राशि पड़ती है सिंह राशि पड़ती है। सिंह राशि होती है पिता की, सूर्य देव की, तो रहना शुरू कर दीजिए ऐसे। सूर्य देव टाइम के पंचुअल, कर्क लग्न वाले टाइम के पंचुअल नहीं होते, टाइम की कदर नहीं करते। अगर वो टाइम की कदर करनी शुरू कर दें तो कामयाब हो जाएंगे। पिता का आदर मान सम्मान करें, रिश्तों में मिठास रखें और चारों तरफ टांगे फसालते, मैं ये भी करूँगा ये भी करूँगा, अगर एक ही अपना लक्ष्य रखें तो कामयाब हो जाते हैं, धन उसके पास टिकना शुरू हो जाता है। देखिए ऐसी बातें मैं फिर बोल रहा हूँ, किताबों में नहीं मिलेगी। तो छोटी छोटी बातों का अगर आप ध्यान रखते हो तो समझ लीजिए कामयाब आप हो गए। अब आई बात सिंह लगन वालों की, सिंह लगन वाले जो होते हैं शेर होते हैं। कन्या राशि दूसरे घर में आती है, कन्या किसकी राशि होती है? औरत की।
यानी कि ये औरतों की परवाह नहीं करते, स्त्रियों की परवाह नहीं करते, सिंह लग्न वाले औरतों की परवाह करने शुरू, घर में जितनी भी औरतें हैं उनको इज्जत मान सम्मान देना शुरू कर दे। कन्या लग्न, कन्या लग्न बताया ना औरत का होता है, तो कन्या लग्न वाले क्या होते हैं, बुध राशि आते हैं। बुध राशि यानी क्या, किन्नर उनका आशीर्वाद लेते रहें, गाय को चारा देते रहें, स्त्रियों की इज्जत करें, तो इनके पास धन टिकना शुरू हो जाएगा। बहुत आसान है, समझने की बात है, समझना आपने है। मैं मोटा मोटा बता रहा हूँ, अगर मैं बारीकी में बताने लगा तो आप हैरान हो जाओगे। बारीकी में तो बहुत कुछ आता है कन्या लग्न में, तो कन्या राशि में क्या क्या आता है आपको पता ही है, जितने एस्ट्रोलॉजर जो मेरा प्रोग्राम सुनते हो सबको पता है कन्या राशि कितनी बड़ी होती है, क्या क्या चीज़ें आती हैं। ये पृथ्वी भी कन्या राशि है क्योंकि हमारी बुध की है गोल, तो इसमें जो मिट्टी है हमारी, कहते हैं ना जितनी भी मिट्टी है ये शुक्र की होती है, इसमें जो बीज डालते हैं हरियाली आती है, जितनी भी हरियाली है ये बुध की राशि से आती है। तो ऐसे हरियाली में चलना, पैदल चलना, घास पे चलना, आंखें ठीक होती है, बहुत लंबी बातें हैं, ये मैं मोटा मोटा बता रहा हूँ सबको। अब आई बात कन्या लग्न वालों की। कन्या लग्न वाले अगर जल्दी उठना शुरू कर दें, शुक्र को स्ट्रोंग कर लें, कन्या लग्न वाले लेजी होते हैं, घर में बैठ के प्लान बनाते हैं, करते कुछ नहीं, तो ये जब उठना शुरू कर देंगे, भाग दौड़ शुरू कर देंगे, दूसरों को राय अच्छी देंगे, तो कामयाब हो जाएंगे, अपनी स्त्रियों की कदर करेंगे, क्योंकि शुक्र की राशि दूसरे धन भाव में आ गए, शुक्र की तुला राशि आ गई, व्यापार में मिठास, अगर व्यापार में मिठास हो जाए तो ये कामयाब हो जाएंगे। बहुत आसान है मेरी बातें, लेकिन आपको पता नहीं कैसे समझ आएगी। हम औरतों की इज्जत नहीं करते, जिसमें ज़्यादातर धन जो होता है औरतों से ही आता है। जैसे कि शेफाली जी ने मेरे को अभी भी बोला मैं सेहत नहीं ठीक है, तो मेरे को पहले, मैंने इसको पहले ठीक करना है भाई, धन तभी तो आएगा। शुक्र ग्रह को हमेशा आपने ठीक रखना है। शुक्र घर की सभी औरतें होती हैं, ये नहीं कि आपकी पत्नी भी होती है, आपकी माँ भी आपके फादर की शुक्र है, आपके जो बेटी है वो आपके जवाई का शुक्र है। तो बेटी तो वैसे बुध होती है, माँ चंद्र होती है, शुक्र पत्नी होती है, तो जितनी भी घर की स्त्रियां होती हैं इज्जत मान सम्मान करना शुरू कर दें, तो धन आना टिकना शुरू हो जाएगा। अब आई बात तुला। तुला लग्न वालों का जो धन स्थान बनता है मंगल, मंगल आस पड़ोस भी होता है भाई, मंगल रिश्ते नाते भी होते हैं, तो आपने क्या करना है, बहुत आसान, दोस्त मित्रों के साथ व्यवहार ठीक रखें, अपना इज्जत मान सम्मान करें, तो पड़ोस के साथ कभी मत बिगाड़िए, ताकि पराक्रम भी ठीक होगा तो धन जुड़ना भी शुरू हो जाएगा तुला लग्न वालों के पास। देखिए मंगल क्या होता है, अगर मंगल रिश्ते नातों के साथ आप संबंध अच्छे रखते हो तो आपका धन जुड़ना शुरू हो जाएगा तुला लग्न वाले। दूसरों को राय बहुत अच्छी देते हैं, खुद के लिए अच्छी नहीं होती, इसलिए दूसरों को अच्छा सोचना शुरू कर दें तो धन जुड़ना शुरू हो जाएगा। अब आई बात वृश्चिक लग्न की, आठ नंबर लग्न वालों की। आठ नंबर लग्न वाले अगर, क्योंकि धनु राशि आती है दूसरे भाव में, कड़वा बोलना बंद कर दे, अगर वो दूसरों को ज्ञान फ्री में बांटना बंद कर दें, अपना गुस्से पे कंट्रोल करें, तो धन जुड़ना शुरू हो जाएगा। जो धनु राशि होती है आग की राशि होती है, आग की राशि गले में बैठ गई उसके, जैसे ही अपनी वाणी में मिठास लाएंगे तो धन उसके पास जुड़ना शुरू हो जाएगा। वो कहते हैं ना 20 दिन पुरानी बातों के ऊपर भी झगड़ा करना शुरू कर देते हैं वृश्चिक लग्न वाले, इन बातों के ऊपर ध्यान करना शुरू कर दे, किसी को बुरा मत बोले, किसी के बारे में बुरा मत कहें,
गुरुओं का आशीर्वाद लें, क्योंकि गुरु की राशि दूसरे एक भर में, कोई भी बुजुर्ग मिलता है उनका आशीर्वाद लें तो धन जुड़ना शुरू हो जाएगा। अब आई बात धनु लगन वालों की। मकर राशि शनि की सबसे ज्यादा खराब राशि होती है, यानी कि लेबर की राशि। अगर धनु लगन वाले लेबर वालों के साथ व्यवहार ठीक रखें, क्योंकि वाणी दूसरा घर से आती है, दूसरे घर को यानी कि वाणी प्यार से बोलना शुरू कर दे लेबर वालों के साथ, तो धन जुड़ना शुरू हो जाएगा। जो भी हमारे लेबर क्लास होते हैं उनका इज्जत मान सम्मान करना शुरू कर दे तो धन जुड़ना शुरू हो जाएगा। देखिए बहुत आसान उपाय होते हैं मेरे, वो तो मैंने बताया ही आपको। जैसे कि हमारे अब आई बात मकर लगन वालों की, यानी कि शनि की सबसे अच्छी राशि मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि। दूसरों का इज्जत मान सम्मान करना शुरू कर दें मकर लगन वाले, बुजुर्गों का आशीर्वाद लेते रहें, मन में बेईमानी छोड़ दें, अय्याशी बंद कर दें, दूसरों की निंदा बंद कर दें मकर लगन वाले, तो उनके पास कभी धन की कमी नहीं होगी। ये मैंने मकर लगन वालों के लिए इसलिए बोला क्योंकि शनि की बुरी राशि लगन में है, शनि की अच्छी राशि दूसरे घर में है, तो शनि की अच्छी राशि जैसा बन जाए। शनि क्या कहता है, क्या कहता है, अय्याशी नहीं करने, नशा नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, दूसरों का मान सम्मान करना, बुजुर्गों का इज्जत मान सम्मान करना। शनि की कुंभ राशि ये कहती है, अगर मकर लगन वाला ये सभी काम करने शुरू कर दें तो जिंदगी भर बुढ़ापे तक पैसे की कमी नहीं रहती, क्योंकि शनि की अच्छी राशि दूसरे घर में आ गई। अब आई बात कुंभ लगन वालों की। कुंभ लगन शनि की अच्छी राशि का लगन, अगर वो अपनी बुरी आदतें छोड़ दें, गुरु ज्ञान की संगत करनी शुरू कर दें, क्योंकि मीन राशि शनि की आती है, अगर वो तालाब या किसी समुद्र के किनारे या किसी भी तट के किनारे पे बैठ के भगवान का नाम लेते हैं, भगवान को मानते हैं, इज्जत मान सम्मान करते हैं बुजुर्गों की, गुरुओं पीरों की, तो उनके पास कभी धन की कमी नहीं रहती। अब लास्ट में आती है मीन लगन। मीन लगन के लोग अगर कड़वा बोलना बंद कर दें, दूसरी राशि आग की राशि यानी कि मेष राशि आग की होती है, जुबान पे हमेशा आग रहती है, वैसे तो दिमाग के ठंडे होते हैं, जुबान पे हमेशा आग रखते हैं मीन लगन वाले। मीन लगन वालों अगर आप मंगल भाई बहन, भाई बहनों की इज्जत मान सम्मान करना, मेष लगन जो भाई बहनों के लिए, अब इज्जत मान सम्मान करें तो उनको कभी धन की कमी नहीं रहती। ये मैंने पूरे लग्नों के लिए बता दिया, लेकिन बहुत शॉर्ट में बताया, इसको बारीकी में बताऊंगा तो एक एक एपिसोड निकल जाएगा। ये मैं मोटा मोटा बातें बताता हूँ। देखिए उपाय भी आपको साथ में बता दिए, साथ में धन आपके घर में टिकने का बहुत सरल आसान उपाय बता दिया, रिश्ते नाते कैसे ठीक करने हैं और अपना घर परिवार कैसे ठीक करना है। जी प्रोफेसर साहब, जाते जाते एक और उपाय चाहती हूँ, क्योंकि हमने एक प्रण लिया था कि टिप ऑफ द डे जरूर बताएंगे, लेकिन जाते जाते इस पे ही आप एक टिप ऑफ द डे जरूर बताएं, क्योंकि लोगों को एक तमन्ना रहती है कि आपके मुंह से कुछ वर्ड सुनने के लिए, तो कुछ अच्छा अच्छा कुछ बता दीजिए। बहुत अच्छा सवाल जी आपने, टिप ऑफ द डे जरूर बताया कीजिए, ताकि धन की कमी जो इंसान के पास रहती है वो ना रहे। धन के ऊपर ही बता रहा हूँ, मैंने कुंभ राशि इस पूरे एपिसोड में कुंभ राशि के बारे में बहुत अच्छा बोला। तो कुंभ राशि शनि की होती है, तो शनि का ही टिप ऑफ द डे बताता हूँ मैं। मैंने वैसे अपने छोटे छोटे जैसे कि टिकटॉक के ऊपर हर किसी के ऊपर मैं छोटे छोटे एपिसोड बताता रहता हूँ, चलो आपको ही बता देता हूँ। दो बूंदे अगर सरसों के तेल की या शराब की कच्ची मिट्टी के ऊपर डालते हो 43 दिन लगातार, तो धन की कमी नहीं रहती। तो करना कैसे है इसको बारीकी में थोड़ा सा बताता हूँ मैं।
शनिवार को शुरू होना है, शनिवार यानी कि सैटरडे के दिन आपने शुरू होना है। आप पर घर में कच्ची मिट्टी नहीं है तो गमला घर में लेके रखना है, मिट्टी खाली पर डालनी है, उसको थोड़ा सा गीला कर लेना है। तो दो बूंदे शनिवार को सुबह आप सूर्य उदय से पहले यानी कि 4:15 बजे करना है। जैसे ही मिट्टी पे आपने डालनी दो बूंदे, उसके बाद चाहे फिर सो जाओ, ये नहीं नहा धो के आपके कर्म कांड करने, नहाना धोना पाठ करना फिर डालना, ऐसा कुछ नहीं है। तो ऐसे आपने शनिवार को सुबह पहले दिन, अगर फिर उसके बाद अगला दिन संडे आएगा, जैसे ही आपकी जाग खुलती है, जैसे 7 बजे खुले या 8 बजे खुले, 9 बजे, तो डाल देना है। सोमवार को, मंगलवार को, बुधवार को, जैसे ही जाग खुलती, लेकिन जो स्टार्टिंग है वो आपने सुबह सुबह करनी है सूर्य उदय से पहले शनिवार को। फिर उसके बाद जब भी आपको याद आए तभी डाल दीजिए। कुछ लोग कहते हैं 43 दिन कैसे डालेंगे, गाड़ी में तेल की रख लीजिए बोतल छोटी सी, जब भी याद आए तो गाड़ी में बैठो तभी याद आए तभी, ये 43 दिन लगातार करना है। अगर आप ऐसे करते हो तो पैसे की, धन की कमी नहीं रहती। जी प्रोफेसर, ऐसे ही नहीं ज्योतिष को ज्योत का ज्ञान बोला जाता है। अगर आप जैसे ज्योतिषी हो तो दुनिया वैसे ही तर जाती है और लोगों का पुराना जो विश्वास टूट गया था ज्योतिष के ऊपर वो दोबारा से फिर बनना शुरू हो गया। अगर आप भी मिलना चाहते हैं प्रोफेसर गुरदीप रोड़ा साहब को तो आपकी स्क्रीन के नीचे जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं आप उन पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, आबाद रहें। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।